हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर फ्रेंड करण। तो इस वीक में काफ़ी पोजीशंस बनाई हैं, आप इधर आके देखोगे तो ऑलमोस्ट सब पोजीशंस मिला के 3.59 प्रॉफिट्स चल रहे हैं। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं। तो ये सारी जो ट्रेड्स है दोस्तों, इसकी जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये ट्रेड्स में तो अभी और भी पोटेंशियल है, इसलिए आपको शायद एनालिसिस कुछ काम आएगी आगे। सो सबसे पहले चलते हैं अपोलो टायर पे। तो अपोलो टायर का ये चार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, डेली का चार्ट है, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब टोटली बुलिश स्टॉक है, और अभी तो जस्ट एक शुरुआत हुई है ऐसा हम बोलेंगे। और ये ट्रेड मैंने जो स्पॉट ऑन किया है वो अप्रॉक्स इधर कहीं पे स्पॉट ऑन किया हुआ है, और इसको होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, आज वापस से ऊपर भी आया है, और अभी फ़िलहाल शायद 25,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में है, जो कि 5-6,000 का ही पर लॉट प्रॉफिट है। और अभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ से आगे मार्केट में और बुलिशनेस रह सकता है। इसके लिए जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं आपको बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप आके देखोगे तो, या मेरे जितने भी चैनल पे वीडियोस हैं एनालिसिस के लास्ट 2-3 महीने से आप देख लेना, मैं हमेशा आपको डिप पे बाय करने की ही सलाह देते गया हूँ, और बुलिश रहेगा मार्केट यही बोलते जा रहा हूँ। और इसमें एक्चुअली कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, 200 EMA खाली आप फॉलो करोगे, 1 आवर का चार्ट आप देख रहे हो, 200 EMA से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चल रहा है। तो एवरी डिप पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब 200 EMA अप स्लोपिंग है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि मार्केट और कंटिन्यू करेगा अप, और एक लोअर प्रोबेबिलिटी रहती है कभी तो ट्रेंड चेंज होगा, तो वो उस दिन एक स्टॉप लॉस हम लेते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहती है, इसके लिए आप देख रहे हो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हम भी बुलिश पोजीशंस ही बनाते जा रहे हैं। तो वापस से आ जाते हैं अपनी एनालिसिस पे, और ये अपोलो टायर्स का डेली का चार्ट है, 200 EMA के पास से बाउंस दिख रहा है, और ये एक काफ़ी एक अच्छा फॉल था, जिसमें कि एक सेल ऑफ बोल सकते हो, सेल ऑफ के बाद अभी फिलहाल ये चौपी हुआ है, थमता हुआ दिख रहा है, कभी भी ये वापस और ऊपर जा सकता है। तो मेरा व्यू बुलिश है इस काउंटर के लिए, इसलिए मैंने तो पोजिशन होल्ड रखी हुई है। फिर आपको मैं दूसरे जो फ्यूचर्स है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फ्यूचर्स फिर एक ये दीपक नाइट्रेट का है, तो इसको भी हम होल्ड कर रहे हैं, और ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इधर आप जाके देखोगे तो सिर्फ 4 लॉट है, और 4 लॉट में ऑलमोस्ट 63,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 15-16,000 रुपये पर लॉट प्रॉफिट चल रहा है। तो इसकी एक्चुअली ये जितने भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ, जो मेरे ट्रेड्स होते हैं, उसकी मैं एनालिसिस मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, ये डिस्कॉर्ड सर्वर है, इधर आप देखोगे ट्रेड्स टेकन का ग्रुप है, ट्रेड्स टेकन मतलब मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ या दूसरे लोग जो भी ट्रेड्स लेते हैं वो अपनी अपनी ट्रेड के एनालिसिस यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये दीपक एनालिसिस का दीपक नाइट्रेट का भी एनालिसिस शेयर किया था इधर, और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर भी आ रहा था। इधर देखो निशिकांत ने लिखा था दीपक नाइट्रेट 5,000+ इन जस्ट 1 लॉट, और मैं तो लिखा था अभी और चलेगा, और 5,000 पर लॉट लेके कोई हमें निकलना नहीं, तो ऑलरेडी 16,000 रुपीज़ पर लॉट तो हम पहुँच चुके हैं। और फिलहाल मुझे ट्रेड सेटअप और भी बुलिश आगे होता हुआ दिख रहा है, इसलिए होल्ड ही किया हुआ। इसकी एक पैटर्न मैं आपको अब दिखाता हूँ, 200 EMA को देखो, ओवरऑल चौपी तो है, लेकिन आप 200 EMA के नीचे गया रिवर्सल, 200 EMA के नीचे गया एक अच्छा रिवर्सल, 200 EMA के नीचे गया, और अभी एक अच्छा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, फिलहाल पोजीशन होल्ड रखी हुई है, और मेरा ऐसा मानना है कि आगे इस काउंटर में भी और हम बुलिशनेस आते हुए देख सकते हैं गाइस। तो ये दीपक नाइट्रेट का था, और नॉर्मली लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग स्विंग ट्रेड ज़्यादा, मैं स्विंग ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये 5-6,000 रुपये पर लॉट या 3,000 रुपये पर लॉट में पूरा दिन लोग ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे नहीं ट्रेड किया जाता है। एक अच्छा ट्रेड जब मिल जाता है तो उसको होल्ड करके मैक्सिमम पैसा उसमें से कैसे निकाल सकते हैं, उस तरीके से ट्रेड करोगे तो ही मज़ा आएगा ट्रेड करने में गाइस। फिर और जो फ्यूचर्स हैं मेरे पास, दूसरे सब जो ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो दूसरा एक है ये एम्फेसिस का फ्यूचर है, जिसमें 1,31,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और अभी तो कोई खास बड़ा मूव आया नहीं है। एम्फेसिस का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो एम्फेसिस में आप देखोगे बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है मुझे, 200 EMA डेली का चार्ट है, 200 EMA पे इधर आप देखोगे, इधर से 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया, इधर से पूरा 200 EMA के नीचे था, ये डाउन ट्रेंड का एरिया था, और ये यहाँ से पोटेंशियली एक अप ट्रेंड शुरू हुआ, और ऊपर जाके कि रिवर्सल 200 EMA के पास से बाउंस, फिर थोड़ा चौपी होकर वापस से रिवर्सल, ये 200 EMA के पास से ये बाउंस शुरू हो गया है, और मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको और आगे ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। आपका क्या मानना है ये चार्ट और एनालिसिस को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ये एम्फेसिस भी जो मैंने लिया था आपको मैं बताऊँगा, सारे ट्रेड्स जो हमने लिए हैं वो यहाँ पे शेयर हो ही जाते हैं, ट्रेड्स टेकन में मैं तो अपने शेयर कर ही देता हूँ, जो दूसरे लोग ट्रेड्स देते हैं वो भी शेयर करते हैं। तो अगर आपको भी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना है तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो, विच इज trendtraderkaran.com, ये एक मेंटरशिप सर्वर है गाइस। एंड गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में, तो आपको मैं आज यहाँ पे कूपन कोड दूंगा, जो कि 15% डिस्काउंट करेगा, और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो वैलिड रहेगा। कूपन कोड आप लिख लो, वो यहाँ पे ही मैं शेयर करूँगा, कहीं और नहीं मिलेगा आपको, वो है APR2024। ओके गाइस, तो ये रहा, इधर मैंने उस वक्त मैं डेस्क पे सामने नहीं था, इसलिए मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया था जब मैं ट्रेड लिया था।
एम्फेसिस एनालिसिस अभी तक देखो कि मैंने पोस्ट किया था और उसके बाद से होल्ड कर रहे हैं, तो एम्फेसिस में भी क्वाइट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे ऐसा दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ हम इसको देख सकते हैं कमिंग डेज। सो अब दूसरी जो एनालिसिस है वो सारे क्रेडिट स्प्रेड्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर आप देखोगे एक्सिस बैंक का मैंने 1060 का पुट शॉर्ट किया है, 1030 का पुट बाई किया है, और ये दोनों मिला के ट्रेड अभी 35,000 प्रॉफिट और 20 मतलब 8-9,000 प्लस में ही चल रहा है फिलहाल। और एक्सिस बैंक के चार्ट पे आ जाते हैं, तो एक्सिस बैंक के चार्ट पे आके देखोगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट मैंने जो शॉर्ट किया है 1060 का शॉर्ट किया है, 1030 का इधर का मैंने पुट बाय किया हुआ, तो मेरा ऐसा मानना है कि 1030 के रेंज के ऊपर ही रहेगा और इनफैक्ट 1060 के ऊपर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो मेरा ऐसा एक स्टॉप लॉस लेवल भी समझ लो इसको, और इसके नीचे जाएगा तो मुझे पोजीशन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हेज रहेगा तो इट्स ईजियर। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि हम कमिंग वीक में इसको भी बुलिश होता हुआ देख सकते हैं, और इस मंथ की एक्सपायरी में 1060 के ऊपर रहेगा प्राइस, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने ये ट्रेड ओपन किया हुआ है। डेली के चार्ट पे आके आप देखोगे तो बहुत टाइम के बाद प्रॉपर ये 200 ईएमए के आसपास मार्च 2023 में आया था, और एक साल के बाद ऑलमोस्ट 200 ईएमए के आसपास अभी फिलहाल आया हुआ है, काफ़ी एक बुलिश चल रहा था ये काउंटर। सो क्वाइट पॉसिबल कि इसको अभी हम आगे और बुलिश होता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ माई एनालिसिस। और फिर दूसरे हम आ जाते हैं भारत फोर्ज पे, तो भारत फोर्ज का ट्रेड मैंने आज ही ओपन किया, ये आप देखोगे तो, या मैं आपको इधर ऑर्डर्स में ही दिखा देता हूँ, इधर आप ऑर्डर्स में आके देखोगे तो आज एक ही ट्रेड ओपन किया जो भारत फोर्ज का है, ये आज ही मैं ट्रेड ओपन किया और फिलहाल ऐसा हम बोल सकते हैं 2-3 हज़ार के प्रॉफिट में ही, अभी तो कुछ खास उसमें हुआ नहीं है। तो भारत फोर्ज में क्या है, और ये भी आज जो मैं ट्रेड ओपन किया मैंने आज ही, मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो उसके एनालिसिस शेयर करता हूँ, ताकि जो मेंबर्स हैं जो सीख रहे हैं वो लाइव चार्ट्स को अपने आँखों के सामने बढ़ते हुए देख सके। तो इधर आके आप देखोगे ये भारत फोर्ज की एनालिसिस है, और ये 188 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि एक दिन के हमने दो कैंडल्स बनाई हुई है, तो या 4 आवर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो भारत फोर्ज पे आ जाते हैं, और भारत फोर्ज पे डेली का चार्ट भी आप देखोगे तो इट्स फाइन, आप डेली के चार्ट पे भी इस टाइप के एनालिसिस निकाल सकते हो। तो ओवरऑल ये 200 EMA के ऊपर घूम रहा है, और 200 EMA के पास बहुत टाइम का ज़्यादा बाउंस लेने के टच होने ही वाला, थोड़ा ऑफकोर्स ऊपर नीचे थोड़ा 19-20 तो रहेगा ही, यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया नहीं गया, वापस गया, पर 200 EMA तक भी नहीं गया, वापस से ऊपर गया, तो मुझे काउंटर ओवरऑल बुलिश होता हुआ दिख रहा है, और मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ से अब बहुत जल्दी ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा जो चौपी बन रहा है, अब गारंटी तो कुछ होता नहीं, हो सकता ऐसे ऐसे चौपी भी रह जाए, इससे जो क्रेडिट स्प्रेड लिया है हमने उसमें हमें ओवरऑल बेनिफिट रहेगा कि मंथ की एक्सपायरी तक भी अगर ये यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है कहीं पे चौपी होते होते ही, तो भी हमारा पैसा बन जाएगा, तो उस टाइप का ट्रेड एनालिसिस है, इसलिए भारत फोर्ज का भी हमने ट्रेड लिया। फिर एक ये है दीपक नाइट्रेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मैं तो बुलिश ही हूँ उसमें, इसलिए मैंने पुट सेल किए हुए हैं जो कि 2160 के और 2180 के पुट्स हेज करने के लिए बाय भी किए हुए हैं, और उसमें आप आके देखोगे तो 68,000 का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें लॉस चल रहा है और ऑलमोस्ट 40,000 का, तो बोल सकते हैं ये क्रेडिट स्प्रेड में 28,000 का फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। तो दीपक नाइट्रेट तो अभी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक है ये आइशर मोटर, ये आइशर मोटर बहुत बढ़िया ट्रेड है, कल जहाँ से हमने एंट्री ली है वहाँ से समझ लो आगे सीधा चलने ही लग गया है। क्रेडिट स्प्रेड में आप देखोगे तो 1,31,000 का प्रॉफिट चल रहा है और 90,000 का इधर लॉस है, मतलब दोनों मिला के 40,000 रुपीज़ का इस ट्रेड में आइशर मोटर्स में प्रॉफिट चल रहा है। भाई आइशर मोटर्स की एनालिसिस पे आ जाते हैं, वो भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ जब लिया था आइशर मोटर्स। इधर देखो निशिकांत ने भी लिखा है बूम आइशर मोटर्स, आइशर लेते ही रॉकेट बन गया। सो आइशर मोटर्स की एनालिसिस है, ओके ये रहा आइशर मोटर्स, इधर आप देख सकते हो आइशर मोटर्स का चार्ट है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम वो कभी यूज़ करते हैं जब बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश होते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम एंट्री के लिए उसमें देखते हैं, तो इस टाइप का ये चार्ट बन रहा था। अब मैं आपको लेके आता हूँ आइशर मोटर्स, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, 200 EMA से बाउंस हो चुका है, तो वो अपॉर्चुनिटी तो हमसे मिस हो गई है। अब आ जाते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो कल हमने ऑलमोस्ट ये जो एंट्री ली थी वो इधर कहीं ली थी, और उसके नहीं एग्जैक्टली ये एंट्री आपको बोलूँ तो मुझे 1220 को पोस्ट किया है, ओके या ऑफकोर्स इधर ही कहीं ली थी ये एंट्री, और थोड़ा सा चौपी होके सीधा ये ऊपर गया है, और आज ऑलमोस्ट जो प्रीवियस स्विंग हाईएस्ट थे उस रेंज में आ चुका है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो दिस वाज अबाउट आइशा मोटर्स, अब मेरा ऐसा मानना है इसमें हमने क्रेडिट स्प्रेड लिया हुआ है, क्रेडिट स्प्रेड का मतलब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर रहे, तो थोड़ा सा वापस चौपी हो वापस ऊपर नीचे होते होते ओवरऑल ऊपर जाएगा, मुझे फिलहाल ये दिख रहा है चार्ट पे, तो इसलिए ये ट्रेड को भी हमने होल्ड किया हुआ आइशर मोटर्स को। एम्फेसिस तो मैंने आपको बता दिया, अब उसके बाद बचता है ये टाटा केमिकल्स, इसमें भी क्रेडिट स्प्रेड लिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट
136 और ये 80, मतलब 56,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। और ये जो ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, जब हेज करके हम लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लॉट साइज़ बहुत बड़ा है, 11 लॉट लिए हुए, लेकिन ये 11 लॉट लेने के लिए भी कुछ 4-5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन नहीं लगता है। तो एक लॉट लेना हो तो शायद 50,000-60,000 के आसपास का ही मार्जिन लगता है, तो 4-5 या 6 लाख का भी लगा होगा, तो 5-6 लाख के मार्जिन में ऑलरेडी 50-60,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है स्क्रीन पर, अभी तक हमने ट्रेड को क्लोज़ नहीं किया है। अब आ जाते हैं टाटा केमिकल पे। तो टाटा केमिकल में आप देखोगे गाइस, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको मैं डेली के चार्ट पर पहले ले जाकर दिखाता हूँ, बहुत ही चौपी था ये डेली के चार्ट पे। आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से 200 EMA के आसपास ऊपर नीचे खाली घूम रहा है, काफ़ी चौपी स्टॉक था, और फाइनली ये एक बहुत अच्छा बड़ा सा मूव आया था, उसके बाद वापस से ये मूव डिजॉल्व हो गया, नीचे आ गया। तो ओवरऑल ये जो मूव था, इससे खाली ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस अभी स्टार्ट हो रही है स्टॉक में, और जब ये नीचे आया और नीचे से 200 EMA से बाउंस लेके वापस से रिवर्सल लेने लगा, तब हमने जाके इसमें एंट्री की है और इसको होल्ड कर रहे हैं। और इसका आप मेरा स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो 1100 का पुट सेल किया और 1150 का पुट बाई किया, तो 1100 का पुट का मतलब ऐसा हम समझ लो कि ये लेवल, तो मेरा ऐसा मानना है इस लेवल के ऊपर एक्सपायरी होएगी कहीं पे भी, अगर थोड़ा चौपी भी होता है तो इस लेवल के ऊपर होएगी, तो हमें इसमें मैक्स प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। तो इस टाइप का एक ट्रेड सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा चौपी था इसलिए इसको ऑप्शंस में लेना ही सही लगा, इसमें डायरेक्ट फ्यूचर्स लेने का मन नहीं था, लेकिन ऑप्शन में भी इसमें एक्चुअली ये जो स्पाइक की वजह से IV अच्छी हो जाती है, और फिर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रीमियम थोड़े से अच्छे मिलते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है इस टाइप का कोई ट्रेड मिलता है तो उसमें एंटर करने के लिए। और ये भी मैं आपको बताऊं, टाटा केमिकल तो हमने इसका तो पूरा मैंने शेयर किया ही था क्रेडिट स्प्रेड कि किस टाइप का मैंने क्रेडिट स्प्रेड बनाया था। इधर आपको दूसरों के भी एनालिसिस देखने मिलेगी, उसमें भी कहीं ना कहीं आइए रहा आई टू क्रेडिट स्प्रेड इन दिस, मैं इसमें लिख दिया था कि मैंने इसमें क्रेडिट स्प्रेड बनाया हुआ है। टाटा केमिकल्स में आप आके देखोगे तो इस टाइप का ट्रेड सेटअप था, और ये जब क्रेडिट स्प्रेड बनाया था उसका पूरा पे ऑफ ग्राफ तो नहीं बोल सकते, पे ऑफ जो होने वाला था वो दिख रहा था पर लॉट। इसमें आप देखोगे इसमें इन्वेस्टमेंट भी लिखा होगा, एस्टिमेटेड प्रीमियम 48,000 रुपीज़, तो 48,000 रुपीज़ अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट लगता है एक सिंगल लॉट में, और एक लॉट में 13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है, और या लॉस भी होगा तो 13,000 का मैक्स टू मैक्स होएगा, जो हमारा ये 1150 का पुट है अगर वो भी क्रॉस हो जाए तो उसके नीचे मार्केट गिरने लगता है, तो मैक्स टू मैक्स यही लॉस होगा, उससे ज़्यादा कुछ टूटना है, एक टाइप से बहुत ही रिस्क मैनेज पोजीशन रहती है। तो ये कुछ मेरे ट्रेड्स थे, अब मैं आपको कुछ दूसरे ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियली कमिंग वीक में वो भी अच्छे बुलिश रह सकते हैं। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो इधर एक ये CA सौरभ अग्रवाल ने एक अच्छा कमेंट डाला है, अगर आपको पॉज करके रीड करना हो तो आप कर सकते हो, इन न्यूली ज्वाइंट। तो एनीवेज दूसरों के जो ट्रेड सेटअप्स में बता रहा था वो मैं बताता हूँ, कुछ अच्छे सेटअप दिख रहे थे। इधर दीपक नाइट्रेट आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने भी शेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के जो ट्रेडिंग पैटर्न वही जैसे इसलिए सबको ऑलमोस्ट उस टाइप के स्टॉक साथ में दिखने लग जाते हैं। ओके, मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, जो मुझे दिखाने हैं वो हाँ ये रहा। इधर एक विशाल ने शेयर किया है अग्रवाल इंडस्ट्री, जिसमें कि मुझे भी पोटेंशियल दिखता है, एक बड़ा स्विंग ट्रेड अगर आप प्लान करना चाहो तो इस टाइप के एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 200 EMA के थोड़ा नीचे जाके डिप मार के ऊपर आया, 200 EMA डिप मार के ऊपर आया, 200 EMA के नीचे है, अब ये डिप मार के ऊपर जा सकता है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और ओवरऑल आप देखोगे तो हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन ही चल रही है, इसलिए ट्रेंड तो बुलिश ही है। इधर आप अगर एक ये रेसिस्टेंस एरिया देखोगे तो काफ़ी टाइम के बाद इसने ये एरिया ब्रेक किया है, और ये एक VCB पैटर्न भी आप बोल सकते हो, अगर आपको पता हो क्या होता है, नहीं होता तो छोड़ दो, एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है और फिर एक अच्छा मूव आता है, और अच्छे मूव के बाद वापस से ऊपर जाने की ट्राई करता था, फिर एक ये कहीं ना कहीं जो बहुत सारे ब्रेकआउट में ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको मार्केट, जैसे ऊपर आप देखो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट सबको निकालने के लिए नीचे आ जाता है, और फिर नीचे से अब ये वापस से रिवर्सल होकर ऊपर जा सकता है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, ऐसा मुझे दिख रहा है चार्ट्स पे। तो ये एक एनालिसिस है जो पूरी मेरी नहीं है, यहाँ पे शेयर की गई है ग्रुप में और अच्छी दिख रही थी। फिर ये एक सेंचुरी प्लाई की एनालिसिस है जो अमन गलोत ने शेयर की है, ये जितने भी लोगों के एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे कोर्स मेंबर्स ही हैं अपने। तो सेंचुरी प्लाई में भी गाइस उस टाइप का ही सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, इधर आप आके देखोगे 200 EMA के पास से इधर बाउंस था, 200 EMA के नीचे जाके डिप ले रहा है, और अब ये एक रिवर्सल बन रहा है। तो इसमें सेफर एंट्री अगर आप बात करोगे तो ऐसा हम वेट कर सकते हैं कि 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हो, ज़्यादा सेफर में जाना है तो ये एक प्रीवियसली जहाँ से ये रिजेक्शन बड़ी कैंडल बनी थी तो ये एरिया को ब्रेक हो जाने दो, और फिर कोई रिवर्सल पे इस एरिया के रीटेस्ट पे वापस से एक अच्छी एंट्री बन सकती है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस टू स्टॉक्स ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और एक और स्टॉक मैं बता देता हूँ,
कोफोर्स का ही शायद था, मैंने अभी तक देखा था। एक्चुअली मैं तो उसमें ट्रेड नहीं किया था, काफ़ी लोगों ने ट्रेड भी किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉफिट मोटिवेशन का ग्रुप है, इसमें आके आप देखोगे तो ओके ये रहा कोफोर्ज। अभी तो देखो किसने, रवि कुमार ने, उनने शेयर भी शायद किया था, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो 1,10,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बना है। और भी एक दो लोगों ने कोफोर्ज में ट्रेड किया था, मैंने तो नहीं किया था। दीपक नाइट्रेट, ठीक है चलो कोफोर्ज किसी एनालिसिस पे ही चलते हैं। तो कोफोज में गाइज ये इस टाइप का सेटअप है, और जब एनालिसिस शेयर हुई थी तब कोफोज ये 200 EMA से ऊपर इधर निकला था, और उसके बाद तो सीधा गैप अप ही हो गया था, और अभी 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर कोई डिप आता है, ये गैप फिल होता है और वापस से इधर कोई अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो समझ लो ये स्टॉक मेरे हिसाब से फिर ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार निफ्टी तो ऊपर है, लेकिन IT सेक्टर में एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो IT सेक्टर के स्टॉक्स ओवरऑल ऊपर जा सकते हैं। इसलिए मैंने भी अभी तो देखोगे तो दूसरे सब पोजीशंस के कंपैरेटिवली एम्फासिस में जो पोजीशन ली हुई है इट इज़ 15 लॉट्स, तो दूसरों के कंपैरेटिवली मैंने काफ़ी बड़ी पोजीशन दूसरों के कंपैरेटिवली इसमें ली हुई, क्योंकि मुझे खुद IT सेक्टर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब IT सेक्टर में एक अच्छा मूव आ सकता है। सो यू कैन ऑल्सो कीप योर एनालिसिस एंड वॉच ऑन द IT स्टॉक्स गाइस। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप वीडियो में मजा आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता जाएगा बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।